हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम मधुबाला जी की सभी फिल्मों के बारे में। उनकी पहली फिल्म 1942 में आई बसंत, इसमें मधुबाला मुमताज़, शांति, उल्लास, प्रमिला, जगन्नाथ, पिया पीठावाला थे। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1944 में मुमताज़ महल, इसमें खुर्शीद बेगम, जहां आरा, कज्जन, मधुबाला, चंद्रमोहन और लता याकूब थे। इसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1945 में धन्ना भगत, इसमें कमला चटर्जी, मधुबाला, कमल जमींदार ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1946 में पुजारी, इसमें विपिन गुप्ता, मधुबाला, मसूद, मुमताज़, शांति ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1946 में ही फुलवारी, इसमें मधुबाला, रामायण तिवाड़ी, खुर्शीद बानो, मोतीलाल ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1946 में राजपुतानी, इसमें मधुबाला, वीणा, पी जयराज थे। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1947 में नीलकमल, इसमें बेगम पारा, राज कपूर, मधुबाला, नाजिरा, राजेंद्र, नफीस, खलीली, शांति कुमार, बेबी, इंदिरा ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इसकी एक और फिल्म आई थी 1947 में चित्तौड़ विजय, इसमें मोनिका देसाई, गुलनार, राज कपूर, मुंशी खज्जर, मधुबाला, लीला पांडे, मदनपुरी, सुरेंद्र थे। इसके बाद दोस्तों की एक और फिल्म आई मेरे भगवान, इसमें मधुबाला, सुरेंद्र, वस्ती, एम खज्जर, जोशी, शशिकला थे। उसके बाद दोस्तों की एक और फिल्म आई 1947 में ही खूबसूरत इस दुनिया, इसमें मधुबाला, वस्ती थे। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1947 में दिल की रानी, इसमें राज कपूर, मधुबाला, श्याम सुंदर, बद्री प्रसाद थे। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1948 में पराई आग, इसमें मधुबाला, मुनव्वर सुल्तान, राज तलवार ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई इसी साल लाल दुपट्टा, इसमें मधुबाला, गुलजार, राजन, अक्सर, उल्लास, रंजीत कुमारी ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों 1948 में एक और फिल्म आई इनकी देश सेवा, इसमें मधुबाला, नानूभाई, वकील, सुरैया चौधरी, प्रकाश श्रीनिवास, रफीक, एस अंसारी, समझी, मुमताज ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1948 में अमर प्रेम, इसमें माधव काले, राज कपूर, मधुबाला, आईटी निंबालकर, अलका रानी ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1949 में सिपहिया, इसमें मधुबाला, लता याकूब, अल्ताफ, यशोधरा काटजू ने काम किया। उसके बाद दोस्तों 1949 में ही एक फिल्म आई सिंगार, इसमें पैडी जयराज, डॉक्टर किशन, सुरैया, शांति, मधुबाला, सितारा, मदनपुरी, डॉक्टर निरंजन ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों की एक और फिल्म आई 1949 में ही पारस, इसमें कामनी कौशल, मधुबाला, अमर, कुक्कू, गोपी ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इसी साल एक और फिल्म आई नेकी और बदी, इसमें मधुबाला, सुशीला, केदारनाथ शर्मा, नंदन, गीता बाली बच्चा ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों की एक और फिल्म आई इसी साथ महल, इसमें अशोक कुमार, मधुबाला, एम कुमार, कानू रॉय ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई इसी साल दुलारी, इसमें सुरेश, श्यामा कुमार, मधुबाला, गीता बाली ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई इसी साल अपराधी, इसमें मधुबाला, पी आर एन मोहन, लीला पांडे, राम सिंह, गौरी, उमा दत्त, राज किशोर ने काम किया था।
उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1950 में परदेश, इसमें मधुबाला, रहमान, करण दीवान और शकुंतला ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1950 में ही बेकसूर, इसमें मधुबाला, अजीत, प्रमीला, याकूब ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1951 में तराना, इसमें दिलीप कुमार, मधुबाला, श्यामा और जीवन ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1951 में ही नाजनीन, इसमें मधुबाला, आगा, चंचल, ओम प्रकाश, राम अवतार, कुक्कू ने काम किया। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1951 में ही नादान, इसमें देवानंद, मधुबाला, सुनीलिनी देवी, मुबारक, मैकेनिक, मदनपुरी ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई इसी साल खजाना, इसमें नासिर खान, मधुबाला, गोप, राज मेहरा, कुक्कू, रमेश ठाकुर, गुजरी, ओम प्रकाश ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1952 में संग दिल, इसमें दिलीप कुमार, मधुबाला, कमल, दारा सिंह, लीला चिटनिस, प्रतिमा देवी ने काम किया। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1953 में अरमान, इसमें देवानंद, मधुबाला, जागीरदार, शकीला के एन सिंह, मुराद, गुलाब ने काम किया। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1954 में बहुत दिन हुए, इसमें मधुबाला, आगा, कन्हैया लाल, ललित पवार, सावित्री ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1954 में ही अमर, इसमें दिलीप कुमार, मधुबाला, निम्मी, जयंत, अभिनीत ने काम किया था। इसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई थी 1955 में नकाब, इसमें मधुबाला, शम्मी कपूर, अजीत खान, हीरा लाल, आशा माथुर, यशोधरा काटजू ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1955 में ही नाता, इसमें मधुबाला, अभि भट्टाचार्य, मधुबाला, चंचल, विजयलक्ष्मी, गोप, कन्हैया लाल ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1956 में श्री फरहाद, इसमें मधुबाला, प्रदीप कुमार, पी कैलाश, अमिता ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1956 में ही राजहट, इसमें मधुबाला, प्रदीप कुमार, उल्लास, सौरभ मोदी ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1970 में गेटवे ऑफ इंडिया, इसमें भारत भूषण, प्रदीप कुमार, मधुबाला, अनीता गुहा, जॉनी वॉकर ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों 1957 में एक और फिल्म आई एक साल, इसमें अशोक कुमार, मधुबाला, जॉनी वॉकर, कुलदीप कौर, रजनी, मीनू मुमताज ने काम किया था। इसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1958 में काला पानी, इसमें देवानंद, मधुबाला और नरली जयवंत, अभिनीत, राज खोसले ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1959 में दो उस्ताद, इसमें राज कपूर, मधुबाला, सुलोचना लाटकर, जेडी ईरानी ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1960 में जाली नोट, इसमें देवानंद, मधुबाला, कुंदन, हरवंश दर्शन ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1961 में झुमरू, इसमें किशोर कुमार, मधुबाला, चंचल, अनूप कुमार ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1962 में हाफ टिकट, इसमें किशोर कुमार, मधुबाला, प्राण सिकंद और शम्मी ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1964 में शराबी, इसमें देवानंद, मधुबाला, डेजी ईरानी,
सुलोचना लाटकर ने काम किया था। उसके बाद दोस्तों इनकी एक और फिल्म आई 1971 में ज्वाला, इसमें सुनील दत्त, मधुबाला, सौरभ मोदी, प्राण सिकंद ने काम किया था।